नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से रविवार को आयोजित की गई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट का पेपर लीक हो गया। जयपुर पुलिस ने सोमवार रात पेपर लीक मामले का खुलासा किया। पेपर लीक करने के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों से 10 लाख की नकद बरामद की है। पुलिस की जाँच में सामने आया है कि यह पेपर रविवार को दोपहर 2:30 पर लीक हो गया। 3 बजे की परीक्षा के दौरान मोबाइल के जरिए पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर आया था। उसके बाद जयपुर के चित्रकूट स्थित एक फ्लैट में बैठे युवक के पास पेपर पहुंचा। वहां से सीकर भेजा गया। सीकर से पेपर हल होकर वापस परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी के पास पहुंच गया। पेपर लीक का सौदा 35 लाख रुपए में किया गया था। पुलिस अब पेपर लीक होने की जानकारी परीक्षा आयोजित करने वाले अथॉरिटी को भेजेगी। जयपुर की सहायक पुलिस उपायुक्त ऋचा तोमर ने बताया कि एक कांस्टेबल को सूचना मिली थी कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के परीक्षा केंद्र के इनविजिलेटर पेपर को परीक्षा केंद्र के बाहर भेजकर हल कराकर परीक्षार्थियों को नकल कराएंगे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि परीक्षार्थी धनेश्वरी यादव के चाचा सुनील यादव को पड़ोस के ई मित्र संचालक अनिल ने नकल कराने में सहयोग के लिए अलवर जिले के बांसूर निवासी नवरत्न स्वामी और परीक्षा केंद्र के इन्विजिलेटर राम सिंह के साथ 35 लाख रुपए में सौदा हुआ था। पुलिस को शक है कि इतनी बड़ी रकम देकर केवल एक परीक्षार्थी को ही नकल नहीं कराई गई बल्कि कई परीक्षार्थियों को नकल कराई गई होगी। जांच पूरी होने के बाद इस मामले का खुलासा। आपका इस पे क्या कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करिए मीडिया टॉक और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।